दोस्तों, आज गुल्ली और बुली के घर सोहन आया हुआ था। और क्योंकि आज 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे का दिन है और आज रात को ये तीनों मिलकर धूम मचाने वाले हैं, और इसी की तैयारी करने के लिए इन लोगों ने सोहन को इतनी जल्दी घर पर बुलाया था। और अब इन तीनों ने अपने घर को काफ़ी अच्छी तरीके सजाया हुआ है। तभी बुल्ली बोला कि सोहन, हमने तुम्हें यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए बुलाया है। तुमने खाने पीने की व्यवस्था ठीक से तो की है ना, या फिर तुम खाना लाए ही नहीं हो? अगर खाने की कमी हुई तो याद रखना, तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा। मेरा मतलब है तुम्हारे कपड़े उतरवा ले जाएंगे। ये सुनकर सोहन बोला, बुल्ली तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने सारा खाना पहले ही खा लिया है और ख़त्म कर दिया, और अब तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और अगर कुछ बचा है तो वो है तुम लोगों का फ्रिज, कहो तो मैं उसे भी खाली कर दूं। गुल्ली बोला, नहीं सोहन, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम्हें पता है ना कि हमने बाबा को भी यहाँ पर बुलाया है, और अगर बाबा तुम्हारी इन हरकतों को देखकर गुस्सा हो गए तो वो हमें कमरे में बंद करके मारने लगेंगे, और तुम तो जानते ही हो कि बाबा कितने गुस्सेबाज आदमी हैं। सोहन बोला, अरे गुल्ली, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और तुम मुझे डराओ मत। मुझे पता है कि बाबा कैसे आदमी हैं, और जरा पीछे देखो, वो देखो हमारे घर रॉड आ रहा है, शायद उसे भी पार्टी करनी है। चलो उसे भी हम लोग पार्टी में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद इन तीनों के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और तीनों रॉड की तरफ देखने लगते हैं, और रॉड भी इन तीनों के पास दौड़ा दौड़ा चला जाता है। रॉड जैसे ही इन लोगों के पास जाता है, बुल्ली रॉड से पूछता है कि क्या हुआ रॉड, आज तुम आधी रात को यहाँ कैसे? कहीं तुम्हें पिछली बार की तरह फिर से हमारी जीप तो नहीं चाहिए? और अगर चाहिए तो एक बात जान लो तुम, कि इस बार हम में से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पार्टी करने वाले हैं, और तुम चाहो तो हम तुम्हें भी पार्टी में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें इन दोनों से भी परमिशन लेनी होगी, क्योंकि ये सब अरेंज इन्हीं लोगों ने किया है। ये सुनकर रॉड बोलता है, बुल्ली ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं यहाँ पार्टी करने नहीं आया हूँ, असल में मुझे तुम लोगों से कुछ काम है, और अगर तुम लोग चाहो तो मैं अभी के अभी तुम्हारे पार्टी में शामिल भी हो सकता हूँ, बस तुम एक बार मुझे हाँ बोल दो। ये सुनकर गुल्ली बोलता है, सोनी का रिश्ता है का जो हाँ बोल ले। और इसके बाद गुल्ली बोलता है कि रॉड, हम तुम्हें पार्टी में शामिल तो कर ले रहे हैं, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हें पार्टी में कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सोहन द भुक्खड़ ने सारा खाना पहले ही ख़त्म कर दिया है, और पहले पार्टी हम लोग करेंगे, उसके बाद तुम्हारा काम करेंगे। गुल्ली की भुक्खड़ वाली बात सुनकर सोहन बोलता है कि गुल्ली, तुम रॉड को झूठी बातें मत बताओ, रॉड तुम्हारे खाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन ये इंजेक्शन तुमने किस चीज का लिया है? ये जहर का इंजेक्शन है क्या, या फिर कुछ और है ये? इन लोगों की बातें सुनते ही रॉड एकदम से सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम लोगों को जो कुछ भी करना है करो, लेकिन पहले मैं अपना काम करूंगा, पार्टी तुम लोग मेरे काम हो जाने के बाद ही करना। और ये इंजेक्शन किसी जहर का नहीं है, बल्कि ये एक नया केमिकल है जिससे कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग में जान आ जाती है, और मैंने इसे अपने लैब में बनाया है, लेकिन अभी तक मैंने इसका टेस्टिंग नहीं किया है। मैं इसे टेस्टिंग करने के लिए ही तुम लोगों के पास आया हूँ। वो जो तुम लोगों ने स्नोमैन बनाया है, मैं उस पर ही टेस्ट करूंगा। और तभी बुल्ली बोलता है, अच्छा रॉड, तो ये बात है, ठीक है तुम टेस्टिंग कर लो, लेकिन जरा सावधानी के साथ करना, क्योंकि अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। जाओ जाकर लगा दो इंजेक्शन उस स्नोमैन को। इसके बाद रॉड बोलता है, ठीक है बुल्ली, मैं अभी इंजेक्शन लगाता हूँ, और मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि एक बार मेरा काम हो जाने के बाद मैं तुम्हारे स्नोमैन को बम से उड़ा दूंगा, मेरा मतलब है दोबारा बनवा दूंगा। और इसके बाद रॉड उस स्नोमैन के पास काफी तेजी से जाने लगता है, और उस स्नोमैन के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर उसे घूरने लगता है। और इसके बाद रॉड उस स्नोमैन के अंदर अपना इंजेक्शन घुसा देता है, और फिर रॉड स्नोमैन से दूर हटकर पीछे खड़ा हो जाता है। इंजेक्शन लगते ही उस स्नोमैन के अंदर मूवमेंट होने लगती है, और फिर तभी तो दोस्तों क्या होगा इन चारों का, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।